गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं बीएल अग्रवाल। आज आपको इस लेक्चर में पार्टनरशिप अकाउंट से रिलेटेड एक टॉपिक जो एडमिशन ऑफ पार्टनर, रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर, डेथ ऑफ पार्टनर में यूज किया जाता है, टॉपिक है रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लाइबिलिटीज। रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लाइबिलिटीज का प्रॉब्लम सोल्व करके समझाने का कोशिश करूंगा। उम्मीद करूंगा आपको जरूर से जरूर समझ में आएगा। ये रख दिया आपके सामने एक प्रॉब्लम रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स लाइबिलिटी के ऊपर। सबसे पहले एक नंबर देखो, प्लांट एंड मशीनरी का दाम रिड्यूस करना है, दैट इज डिप्रिशिएटेड करना है बाय 20,000। दैट इज हम लोग का प्लांट एंड मशीनरी का दाम कम हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। तो कितना से कम हो जाएगा? 20,000। तो प्लांट एंड मशीनरी एसेट्स होता है तो उसको कम करना है तो क्रेडिट कर देंगे, तो एंट्री हो जाएगा रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्लांट एंड मशीनरी 20,000। यहां देखो लैंड एंड बिल्डिंग, ये भी एसेट्स है, इसका दाम एप्रिसिएटेड, एप्रिसिएटेड मतलब हो गया इंक्रीज करना है, एप्रिसिएटेड मतलब इंक्रीज करना है 50,000। तो लैंड एंड बिल्डिंग एसेट्स है, लैंड एंड बिल्डिंग का दाम एप्रिसिएटेड बढ़ाना है, तो लैंड एंड बिल्डिंग डेबिट टू रिवैल्यूएशन। और जबकि प्लांट एंड मशीनरी का दाम कम करना है, डाउनवर्ड क्रेडिट करना है, तो रिवैल्यूएशन टू प्लांट एंड मशीनरी। ओके, अमाउंट दिया हुआ है। यहां देखिए प्रोविजन क्रिएट करना है, डाउटफुल डेट, प्रोविजन क्रिएट करना है, एक तरह से लाइबिलिटी इंक्रीज करेगा। प्रोविजन हमेशा डेटर के ऊपर कैलकुलेट होता है, डेटर है आपका 1,00,000, परसेंटेज है 5, तो इसका मतलब हो गया 5,000। तो प्रोविजन क्रिएट करना है डेटर के ऊपर 5%, 5,000, तो लाइबिलिटी इंक्रीज हो जाएगा, तो रिवैल्यूएशन डेबिट टू प्रोविजन, ये हो गया लाइबिलिटी इंक्रीज कर जाएगा। ये भी एक लाइबिलिटी है, देखिए प्रोविजन फॉर वारंटी क्लेम, यहां देखिए इंक्रीज्ड बाई 15,000, यहां भी लाइबिलिटी बढ़ेगा, लाइबिलिटी को इंक्रीज कराना है, लाइबिलिटी इंक्रीज कराएंगे तो लाइबिलिटी क्रेडिट होगा। ओके, तो एक बार फिर से देखो, प्लांट एंड मशीनरी को रिड्यूस कराना है 20,000, तो एसेट्स कम होगा, रिवैल्यूएशन टू प्लांट एंड मशीनरी, बिल्डिंग को इंक्रीज कराना है 50,000, बिल्डिंग एसेट्स बढ़ेगा, बिल्डिंग डेबिट टू रिवैल्यूएशन। प्रोविजन लाइबिलिटी होता है, दोनों ही प्रोविजन लाइबिलिटी होता है, रिवैल्यूएशन टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट 5,000 और रिवैल्यूएशन टू प्रोविजन फॉर वारंटी क्लेम 15,000। ठीक है, चलिए इसका एंट्री करके देखते हैं। ठीक है, इसको रिकॉर्ड करने के लिए जर्नल का फॉर्मेट चाहिए, जर्नल का फॉर्मेट रख दिए। एक नंबर ट्रांजेक्शन था आपको प्लांट एंड मशीनरी को रिड्यूस करना है, तो प्लांट एंड मशीनरी क्रेडिट हो जाएगा, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट, रिवैल्यूएशन डेबिट, रिवैल्यूएशन डेबिट टू प्लांट एंड मशीनरी, एसेट्स को कम करना है तो एसेट्स को क्रेडिट कर देंगे, या नरेशन देते बीइंग वैल्यू ऑफ प्लांट एंड मशीनरी, बीइंग वैल्यू ऑफ प्लांट एंड मशीनरी रिड्यूस्ड या डिक्रीज्ड। ठीक है, प्लांट एंड मशीनरी का दाम कम कर दिए, वहीं पे था बिल्डिंग का दाम 50,000 बढ़ा देना है, एक नंबर में ही था, तो बिल्डिंग हमारा एसेट्स है, दाम बढ़ा देंगे, डेबिट कर देंगे, तो लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, ये था आपका 50,000। ओके, तो यहां नरेशन देते बीइंग वैल्यू ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग इंक्रीज्ड
ठीक है, तो एसेट्स का दाम कम करना है तो एसेट्स को क्रेडिट कर देंगे, एसेट्स डेबिट बैलेंस होता है, कम करने के लिए क्रेडिट कर दिया जाएगा। तो रिवैल्यूएशन टू मशीन, एसेट्स को बढ़ाना है तो बिल्डिंग टू रिवैल्यूएशन। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट एक लाइबिलिटी होता है, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेप्ट अकाउंट, टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेप्ट अकाउंट, वो 5,000 हुआ था, 1,00,000 का 5% 5,000 बीइंग प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेप्ट क्रिएटेड ऑन डेटर। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट हमेशा डेटर के ऊपर क्रिएट करते हैं, ये एक लाइबिलिटी है, लाइबिलिटी इंक्रीज कर गया तो लाइबिलिटी क्रेडिट हो जाएगा, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। तीन नंबर में भी एक लाइबिलिटी ही आया है, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर वारंटी क्लेम, वारंटी क्लेम अकाउंट, प्रोविजन फॉर वारंटी क्लेम अकाउंट, इसका अमाउंट है आपका 15,000 बीइंग प्रोविजन फॉर वारंटी क्लेम, बीइंग प्रोविजन फॉर वारंटी क्लेम इंक्रीज्ड। ओके, तो फर्स्ट था एसेट्स को कम करना है क्रेडिट, सेकंड था एसेट्स को बढ़ाना है डेबिट, दोनों लायबिलिटी क्रिएट हुआ, इंक्रीज हुआ, क्रेडिट। ये देखो आप, यहां था प्लांट एंड मशीनरी रिड्यूस बोला था, बिल्डिंग को इंक्रीज बोला था, एप्रिसिएटेड, प्रोविजन क्रिएटेड बोला था 5% 5,000, यहां देखिए वारंटी इंक्रीज बोला था। ठीक है, ऐसा ही देखिए यहां भी एक क्वेश्चन है, यहां देखिए अनरिकॉर्डेड इन्वेस्टमेंट, अगर कोई एसेट्स अनरिकॉर्डेड है, अगर कोई एसेट्स अनरिकॉर्डेड है तो उसको रिकॉर्ड करेंगे तो एसेट्स बढ़ेगा, नया एसेट सामने आया मतलब एसेट्स इंक्रीज कर गया तो एंट्री हो जाएगा एसेट्स इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन। वैसे ही देखिए अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी है, अगर अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी सामने आया तो लायबिलिटी बढ़ेगा, तो वही बात हुआ, लायबिलिटी इंक्रीज कर गया, रिवैल्यूएशन टू लायबिलिटी। ओके, अनरिकॉर्डेड है तो अगर कोई भी एसेट्स अनरिकॉर्डेड है तो इसका मतलब एसेट्स को बढ़ाना है, एसेट्स इंक्रीजेस एसेट्स टू रिवैल्यूएशन, लायबिलिटी अनरिकॉर्डेड है तो लायबिलिटी बढ़ाना है, रिवैल्यूएशन टू लायबिलिटी। यहां देखिए एक आइटम 600 रुपया क्रेडिटर में था, अब उसको क्लेम नहीं होगा इसलिए वापस कर दो, तो क्रेडिटर में 600 रुपया कोई क्लेम इंक्लूडेड है बट वो अब क्लेम नहीं किया जाएगा तो उसको राइट ऑफ कर दो, तो इसका मतलब लायबिलिटी कम होगा, क्रेडिटर रिड्यूस करेगा, क्रेडिटर लायबिलिटी क्रेडिट बैलेंस होता है, रिड्यूस करेगा डेबिट कर देंगे। ओके, ये वाला ध्यान से देखिएगा, 3,500 रुपया अमित पे था वो बैड हो गया, तो बैड डेट हुआ, तो बैड डेट मिला हमारा 3,500। अच्छा, मयंक के ऊपर 25,000 बाकी था, वो इंसॉल्वेंट हुआ, 40% उसका मयंक को जाता था, इनरिकवरेबल हो गया, तो फिर जो 25,000 रुपया मयंक पे बाकी था उसका 40% दैट इज 10,000 ये भी इरिकवरेबल हो गया, तो बैड डेट हो गया आपका 13,500। 3,500 शुरू में बैड डेट हुआ, अब 25,000 का 40% 10,000 बैड डेट हुआ तो बैड डेट हो गया 13,500। अच्छा, प्रोविजन फॉर बैड डेट हमको 10% करना है, डेटर मेरा था 228,500, तो प्रोविजन फॉर बैड डेट हमारा डेटर था 228,500, इसमें से एक आदमी 3,500 बैड डेट का आया, अब मयंक जिस पर 25,000 बाकी था वो 10,000 बैड डेट कराएगा, अब
15,000 दे देगा। तो हमारा डेटा 228,500 में से 3,500 गया अमित का, अब 25,000 गया मयंक का, तो हमारा डेटर बच गया 2,00,000 का, और 2,00,000 का 10% प्रोविजन बोला है 20,000। 2,00,000 का 10% प्रोविजन बोला है तो 20,000। तो इस पूरे ट्रांजेक्शन में देखिए 3,500 रुपया अमित वाला बैड डेट हो गया, मयंक का 25 में से 40% 10,000 बैड डेट हो गया, तो हमारा बैड डेट हो गया 13,500। इस बैड डेट को रिकॉर्ड करना होगा, हमारा डेटा 228,500 था, अमित और मयंक को हटाने के बाद 2,00,000 बचा, उसका 10% प्रोविजन बोला 20,000। तो बैड डेट हो गया माने डेटर रिड्यूस हो गया, एसेट्स कम हो गया, अब प्रोविजन माने लायबिलिटी इंक्रीज कर गया। चलिए इसका एंट्री करते हैं 1, 2, 3, 4। ओके, नंबर 1 में अनरिकॉर्डेड इन्वेस्टमेंट था, इसका मतलब इन्वेस्टमेंट इंक्रीज कर गया। तो इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, इन्वेस्टमेंट अनरिकॉर्डेड है, इसका मतलब हमारा एसेट्स बढ़ गया, इन्वेस्टमेंट बढ़ गया 50,000। ठीक है, इन्वेस्टमेंट मेरा इंक्रीज कर गया 50,000, बीइंग अनरिकॉर्डेड इन्वेस्टमेंट टेकन इनटू बुक्स। कोई अनरिकॉर्डेड इन्वेस्टमेंट था, उसका हम लोग बुक्स में रिकॉर्डिंग कर दिए, तो हमारा एसेट्स बढ़ गया। 2 नंबर में कोई अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी था, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, लाइबिलिटी बढ़ गया टू लाइबिलिटी फॉर सप्लायर, इसका अमाउंट था 15,000, बीइंग अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी टेकन इनटू बुक्स। तो अगर कोई अनरिकॉर्डेड एसेट हो तो उससे मेरा एसेट्स इंक्रीज कर जाएगा, तो एसेट्स अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन, और कोई अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी हो तो मेरा लाइबिलिटी इंक्रीज कर जाएगा, तो रिवैल्यूएशन टू लाइबिलिटी। यहां नंबर 3 में था 600 रुपया क्रेडिटर में है जिसको रिटेन बैक करना है, क्रेडिटर को कम करना है, तो क्रेडिटर लाइबिलिटी कम करने के लिए डेबिट सन्ड्री क्रेडिटर डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, सन्ड्री क्रेडिटर डेबिट टू रिवैल्यूएशन 600, बीइंग क्रेडिटर रिटेन बैंक। ठीक है, एक बार इतना आप देखो, ये देखो अनरिकॉर्डेड इन्वेस्टमेंट एसेट बढ़ गया, अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी लाइबिलिटी बढ़ गया, क्रेडिटर जो था रिटेन बैक हो गया। ये डेटर वाला, यहाँ आपको बैड डेट कैलकुलेट किए थे 13,500, अब प्रोविजन कैलकुलेट किए थे 20,000। ठीक है, बैड डेट कैलकुलेट हुआ था 13,500, अब प्रोविजन कैलकुलेट हुआ था 20,000। चलिए इसका एंट्री कर देते हैं रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, बैड डेट का मतलब टू डेटर अकाउंट, बैड डेट था 13,500, प्रोविजन का मतलब टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, ये था 20,000, 33,500 being bad debt written off and provision for doubtful debt created. Okay, being bad debt written off and provision for doubtful debt created. तो ये हो गया revaluations related entry।
रिवेल्यूएशन रिलेटेड आप एंट्री करोगे तो एक कॉन्सेप्ट सिर्फ याद रखना है, एसेट अगर प्लस होता है, इंक्रीज होता है तो डेबिट कर दीजिए, एसेट्स अगर कम होता है, डिक्रीज होता है तो क्रेडिट कर दीजिए, लायबिलिटी अगर बढ़ता है, इंक्रीज करता है तो क्रेडिट कर दीजिए, लायबिलिटी कम होता है, डिक्रीज होता है तो डेबिट कर दीजिए। ओके, ये इसका कॉन्सेप्ट है, इसके सपोर्ट से एंट्री हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है? ओके, थैंक यू, बाय।